22 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट खाली थी। हम लोगों ने सिर्फ 23 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। वेल, इकलौती तुम हो जो रिजेक्ट हो गई। आई एम सॉरी मिस वंशिका। वंशिका, आज तूने राहुल काल के वक्त अपना पैर घर से बाहर निकाला है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश मिलकर भी आज तेरी नौकरी नहीं लगा सकते। थैंक यू। मिस शालिनी, मिस रशीदा खातून, मिस पार्वती सुंदरम, मिस वंशिका माथुर, हमने स्मार्ट और इंटेलिजेंट लड़कियों के लिए ऐड दिया था। आप लोगों की कोई मजबूरी आपको यहां खींच लाई है। कल किसी का भाई बीमार हो जाएगा, परसों मां का इलाज कराना होगा, किसी का बाप रिटायर हो जाएगा, और आप लोगों को हमेशा एडवांस की जरूरत होगी। मैनेजर साहब इस खौफ से ऑफिस आना बंद कर देंगे। यू आर ऑल रिजेक्टेड, यू मे गो। आज राहु चंद्रमा आमने सामने हैं। राहु चंद्रमा को डस रहा है, सफलता की कोई आशा नहीं है। आप सेवा और धर्म का काम बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं। सर्विस करना आपके बस की बात नहीं। जाओ बहन, दूसरा दरवाजा खटखटाओ। आज 90 दृष्टि से शनि तेरे कर्म स्थान को देख रहा है। आज तुझे अपमानित होना पड़ेगा। अमृत सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, जाय जाय योग, तीन तीन महायोग, कल ठीक 12 बजे तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। राहु, केतु, शनि, मंगल, शुक्र, बुध सब मिलकर एक महायोग बना रहे, और उसी राजयोग में तेरा भाग्य उदय होगा। कल ठीक 12 बजे दिन में, ठीक 12 बजे दिन में, सुन रही है ना वंशिका? मैं अपमान, तिरस्कार और घृणा से तंग आ चुकी हूं बुआ। इतने ही भाग्यवान होती तो बचपन में ही माता पिता का सुख क्यों खो देती? तुमने मुझ पे दया करके अपना घर तक नहीं बसाया, मुझे पाल पोस के बड़ा किया। तुम तो त्याग करते नहीं हारती बुआ, पर मैं नौकरी मांगते मांगते हार चुकी हूं। हार? हाँ हाँ, एक बड़ा सा फूलों का हार लाके डालना मेरे गले में। कल से तेरा भाग्योदय होने वाला है ना? कहाँ से होगा भाग्योदय बुआ? कल ना ही कोई इंटरव्यू है और ना ही मेरे पास कोई कॉल लेटर, और इतनी देर गए कोई पोस्टमैन तो नहीं आएगा। गिलास में दूं या कटोरी में? आज क्या कम पड़ गया बिट्टू की माँ? आज कुछ मांगने नहीं, देने आई हूँ ये कागज का टुकड़ा। न जाने कब वो पोस्टमैन मेरे दरवाजे पर फेंक गया था। मेरा बिट्टू तो इसे फाड़कर जहाज बनाने वाला था। बड़ी मेहरबानी बिट्टू की माँ। मम्मी, मम्मी अभी नहीं। ले, आ गया तेरी किस्मत का जहाज। एसपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में कल तेरा इंटरव्यू है, 9 से 12 बीच। पढ़ पढ़। मान गई ना ज्योतिष विद्या और मेरी गणना को? अरे बुआ, ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी में मुझे नौकरी मिल सकती है? अरे मिल गई समझ। हाँ, बशर्ते ना एक क्षण इधर ना एक क्षण उधर। कल ठीक 12 बजे इंटरव्यू के लिए तुझे अपने मालिक के कमरे में प्रवेश करना है, बस। पर बुआ, मैं सेकंड सेकंड की खबर कैसे रखूंगी? कहीं कुछ इधर उधर हो जाएगा तो?
तू समस्या बता बच्चा, समाधान हमारे पास पहले ही तैयार है। ठहर, ये देख ये घड़ी, अलार्म घड़ी। हाँ। ठीक 12 बजे जैसे ही इधर घंटी बजी, उधर तेरा दाहिना पैर मालिक के कमरे में पड़ा। नेक्स्ट। 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 कल ठीक 12 बजे तेरे जीवन की दिशा बदल देंगे। राहु केतु, शनि मंगल, शुक्र बुध सब मिलकर एक महायोग बना रहे हैं। इसी राजयोग में तेरा भाग्य उदय होगा कल ठीक 12 बजे दिन में। घंटी बज रही है, कहीं आग तो नहीं लग गई? अरे इंडिया पाकिस्तान का मैच है, साहब आज शायद हमें छुट्टी देने वाले हैं। ये बात है, ये स्टॉप इट, बंद करो, बंद करो। यस, तुम टाइम पीस लेकर ऑफिस आई हो, क्यों? क्योंकि रिस्टवॉच मेरे पास नहीं है सर। लेकिन ये अलार्म क्यों लगाया था? इंटरव्यू का वक्त सिर्फ 9 से 12 था सर। मैं एक सेकंड भी लेट होती तो अनर्थ हो जाता। गुड। तुम वक्त की इतनी पाबंद हो मुझे जानकर खुशी हुई। बैठ जाओ। लीजिए। फर्स्ट क्लास, गोल्ड मेडलिस्ट, फर्स्ट क्लास, वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू। इससे पहले किसी की सेक्रेटरीशिप का एक्सपीरियंस है तुम्हें? आज पहली बार किसी ने इज्जत से बुलाकर ऑफिस में बिठाया है, बस यही मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तुम्हारी प्रॉब्लम सिर्फ यही लड़की सॉल्व कर सकती है मिस्टर सत्यप्रकाश। 5,000 रुपया महीना तनख्वाह होगी, आने जाने का खर्चा अलग से। तुम कल से ड्यूटी ज्वाइन कर सकती हो। मैं आज से अभी से नौकरी ज्वाइन करना चाहती हूँ सर। आज आधा दिन निकल गया है, कल सुबह 9 बजे आके ड्यूटी ज्वाइन कर लेना है। जी। जा, जा। नमस्ते। 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 कहाँ ये सीधी सादी लड़की और कहाँ आपका अल्ट्रा मॉडर्न बेटा अब है? ये घरेलू बकरी क्या आपके आदमखोर शेर को काबू में रख पाएगी? मेरी मानो ना तो। मुझे पूरा यकीन है ये लड़की मेरे हर सवाल का जवाब होगी, पर साहबजादे हैं कहाँ? होगा अपने मामा के साथ, जो हमारे अभय को वो सारी चीजें सिखा रहा है जो उसे इस उम्र में नहीं सीखनी चाहिए। ए मामा। हाँ भांजे। कुछ बोलो। ए सुनो। ए मामा। ए भांजे। कुछ बोलो। ए सुनो। मान लो तुम मेरा कहना, ऐसी कुड़ियों से बच के रहना, जो कहती है शादी करो, शादी करो करके मरो, जो कहती है शादी करो, शादी करो करके मरो। ए मामा। ए भांजे। कुछ बोलो। अरे सुनो ना। जितनी की शादियां उतनी हुई बर्बादियां, अब
तो फुल स्टॉप है ना। ओ भांजे, ये वो लड्डू है जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तेरा मामा हूँ लेकिन अब मामा नहीं बनने वाला भांजे। हजार मोहब्बत का ये पहले भी जाती है, फिर उड़ते पंछी को ये पिंजरे में लाती है। हाँ, फिर उड़ते पंछी को ये पिंजरे में लाती है। छोड़ो हम क्या अनाड़ी है कह दो, अरे हम भी शिकारी है मामा। भांजे सुनो ये बोलो, मान लो तुम मेरा कहना, ऐसी कुड़ियों से बच के रहना जो कहती है शादी करो शादी करो करके मरो, जो कहती है शादी करो शादी करो करके मरो। ए मामा हम भांजे तो सुनो ना बोलो। रहना जो कहती है शादी करो शादी करो करके मरो, जो कहती है शादी करो करके मरो। मैं तीन दिन आऊंगा नहीं। नो नो नो, तुम्हारे पीछे आने से मेरी ना हमें नहीं बदलेगी। मैं शादी नहीं करूंगी, हरगिज नहीं करूंगी। मुझे इस बंधन में नहीं पड़ना है। वाह, लड़की होकर कितने ऊंचे ख्याल आते हैं। कमाल है, तो फिर वो सारे गिफ्ट्स क्यों लिए थे मुझसे? तुम्हारे सारे गिफ्ट्स कल सुबह तुम्हारे घर पर पहुँच जाएंगे। दफा हो जाए यहाँ से। अगर इस छुरी से मैं तुम्हारी गर्दन काट दूं, तो तुम मुर्गी की तरह तड़प कर यहीं मर जाओगी। बोलो यस, बोलो यस, बोल मुझसे शादी करेंगे कि नहीं? बोल। वो जमाने लद गए दोस्त, जब हथियार के बल पे शादी या सगाई होती थी। ए यू, भाग जा वरना। वरना मुझे कुछ मत करना भाई, तुम्हारे चाकू से मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा एक बार बताओ, ये चाकू बहुत तेज है क्या? Yes. जो तुम्हारे बीच में आएगा, क्या तुम इसे मारे बगैर नहीं छोड़ोगे? Yes. तो मेरा हल्का सा प्यार झेल पाओगे? अबे चल बे। अभय सेना। सिम। चार्म्ड। थैंक यू। प्लीज मीट माय मामा जी। मामा हूं मैं तेरा, रॉक्सी। सिम, सिमरन गरेवाल। ये हमारे बैचलर्स क्लब के प्रेसिडेंट हैं। हम अपने क्लब में सिर्फ उन लोगों को एडमिट करते हैं जो शादी ब्याह के खिलाफ हैं और जो अपनी जिंदगी में मौज मस्ती करना पसंद करें। क्यों मामा? करेक्ट। तब तो मुझे लाइफ मेंबर बनना मंजूर है। Cheers! मात मोहि दीजे कछु चिन्ना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चुड़ामणि उतारि तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। कहे तुतात असमोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरक नामा।
दीन दयाल बिरिदु संभारी। सत्या जी माँ। क्यों रे, आज कोई तीज त्योहार तो है नहीं, और वैसे भी तू उपवास में तो यकीन नहीं रखता, तो फिर खाना क्यों नहीं खा लेता? आज बाप बेटा दोनों साथ में खाना खाएंगे माँ। बला की बात ठान ली है तूने? अरे वो बच्चा है, खेल खिलवाड़ करके आते आते थोड़ी देर सवेर तो हो ही जाती है। माँ सवेर हो गई तो नाश्ता समझ कर खाएंगे, अगर खाएंगे हम दोनों साथ साथ। अरे क्यों तू उस बिचारे बिन माँ के बेटे के पीछे जल्लाद बना जा रहा है? दूध मुआ था, माँ दुनिया छोड़कर चली गई, डब्बे का दूध और तबेले का पानी पीकर तो वो जैसे तैसे बड़ा हुआ, फिर ऊपर से पढ़ाई का बोझ आ पड़ा। अरे अभी तो उसने पढ़ाई पूरी की है, जरा थोड़ी सी अफरा तफरी कर ले, फिर जहां चाहे जोत देना उसे बैल की तरह। माँ अगर तुम इसी तरह छूट देती रही तो अफरा तफरी की राह में वो इतनी दूर निकल जाएगा कि हम घर पे बैठकर हाथ मलेंगे और दुनिया हम पर ठहाके लगाएगी। तुम जानती हो ये मामा भांजे मिलकर रात दिन क्या गुल गपाड़ा खिला रहे हैं। ये मामा को तू बीच में खींच के कहां लाया बेटा? बहन के साथ आया था और बहन की खुशियों के लिए इस घर का होकर रह गया, पर क्या सुख पाया उसने, चार चार शादियां की और चारों उसे ठोकर मारकर चली गई। माँ सारा दोष तो उन चारों लड़कियों का था, क्योंकि गुड़ों की खान है मेरा साला। चुप रह, लड़के में बुराई ढूंढता है? अरे लड़का तो घर का सूरज होता है, उसमें दाग धब्बे नहीं होते। हाँ। तुम्हारी नजरों में तो सभी बेचारे हैं, लेकिन अब लाचार होकर मुझे इन बेचारों के साथ कुछ बातों का फैसला करना होगा। हाय डैड। हाय दादी माँ। ये प्रभात फेरी कहां से आ रही है बरखुरदार? जीज जीजा जी, आज के इस सोशल कल्चर में हर नौजवान रात का भूला अगर सुबह घर लौट कर आ जाए तो उसकी भूल को धूल की तरह झाड़ कर भूल जाना पड़ता है। जीजा जी, यू नो वी लिव इन इंडिया लेकिन अमेरिकन स्टाइल। देवा पांडे, साले साहब को ले जाकर इनके बेडरूम में सुला दो, आज जुबान से ज्यादा ये खुद लड़खड़ा रहे हैं, अमेरिका की बू यहां तक आ रही है। अंग्रेजी शराब पीकर ये राकेश से रॉक्सी बन गए हैं। ले जाओ भाई, ले जाओ इन्हें, ले जाओ। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट जिया जी। दादी माँ आ गया। लल्ला तूने खाया बेटे? हाँ दादी माँ, खाना तो कब से खा चुका हूँ मैं। अच्छा अच्छा बेटा, अगर हुक्म हो तो दो निवाले मैं भी खा लूं। डैड आपने अभी तक खाना नहीं खाया? उस बाप की भूख मर जाती है जिसका जवान बेटा गैर जिम्मेदार हो जाता है। इसीलिए कल से तुम वही करोगे जिसका फैसला मैं कर चुका हूं। कैसा फैसला डैड? कल से तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे, ये मेरा पहला फैसला है। जी ऑफिस? ऑफिस में तुम्हारी एक सेक्रेटरी अपॉइंट की है जो अपना मशवरा भी दे सकती है और मेरा हुक्म भी। डैड कोई मास्टर नहीं लाए क्या? नहीं नहीं, 19-20 साल की लड़की है। ठीक है डैड, अगर आप कहते हैं तो कल लंच के बाद मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगा। कल सुबह ठीक 9 बजे हम दोनों ब्रेकफास्ट टेबल पर मिलेंगे। ये मेरा आखिरी हुक्म है। बेटा Good morning.
माई डियर, यू आर सिटिंग एट द रॉन्ग प्लेस. व्हाट इज दिस? मेरी नौकरी लग चुकी है. ये 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 देखिए अपॉइंटमेंट लेटर. केटी. यस सर. वंशिका बेटी, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह वहां है. हाँ, तुम्हें अपॉइंट किया है बाबा की सेक्रेटरी. ये बाबा कौन है? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. चलिए. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. वही पुराना दरवाजा. वही पुराना फर्नीचर. गुड मॉर्निंग सर. मॉर्निंग. और वही पुराने महापुरुष. डैड, मैं ऑफिस आया हूं या फड़फड़ा के किसी पुराने युग में आ गया हूं? 10 साल बाद आज पहली बार तुमने ऑफिस में कदम रखा है. आज की फास्ट लाइफ में 10 साल एक युग के बराबर ही होता. और वैसे भी डैड, जब तक आपका अपॉइंट किया हुआ आदमी खुद मर के ये डिक्लेयर ना कर दे कि वो रिटायर हो चुका है, आप तो किसी को रिटायर नहीं करते. नमस्ते. नमस्ते. अभी बेटा, इनसे मिलो. ये है मिस वंशिका माथुर, तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी. नमस्ते. डैड, इसे किस खंडर से ढूंढ कर लाकर इस कुर्सी पे चिपका दिया है? ये तो पूरी छिपकली है. तुम अभी मेरे साथ मेरे कैबिन में चलो, कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस देने हैं. मैं खूबसूरत कली और छिपकली को कभी नहीं भूलता. याद नहीं आया कि इससे पहले मैंने तुम्हें किस दीवार पर रेंगते हुए देखा था. एनीवे, कम ऑन गाइस, हरी अप, लेट्स पार्टी, लेट्स ग्रूव, लेट्स फ्रीक आउट. अरे हाँ, 1900. तो कब तक छुप छुप कर उसका नाम लिखती रहेगी? उससे जाकर बोल क्यों नहीं देती कि अब है आई लव यू? ये कहने की हिम्मत नहीं है मेरे पास. वंशिका, ये कॉलेज में लास्ट ईयर है तेरा, और पहले दिन से जब से तू कॉलेज में आई थी तब से तू अभय से प्यार करती है. हे यार, क्या बिना कहे मेरे दिल की बात अभय तक नहीं पहुंचेगी? उफ़ो, तुम कौन से जमाने में जी रही हो? ये दिल की बात, आंखों की जुबान, दिल ही दिल में. ओला आउटडेटेड यार. आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि दिल की बात कैसे कही जाती है. सबसे पहले खड़ी हो जाओ. चलो सीधी खड़ी हो जाओ. छाती तान के स्टाइल से कुर्ते का हिस्सा नीचे करो. और अभी चश्मा जो है उतार दो. हाँ, और अब तुम सीधे चलते हुए अभय के पास जाओ. चलो, और उसे बता दो, अभय आई लव यू. नहीं, जाओ ना. नहीं. जाओ वंशिका. That's it. You're the one I'm looking for. Let's go and party tonight. You're my date. Come on. Abhay, I love you. Really? इस double decker bus के सामने तू अपना सर फोड़ रही है? ए, चल फोड़. Fatso, डब्बा कहीं का. पर अभय. सुनो सुनो लड़कियों, देखो जरा प्यार से, सोचो है क्या फायदा ऐसी तकरार से. सुनो सुनो लड़कियों, देखो जरा प्यार से, सोचो है क्या फायदा ऐसी तकरार से. पीछे पीछे आना नहीं, हमें समझाना नहीं, हम आएंगे ना हाथ में कि हम हैं दिलिया. आदमी आओ, आदमी आए, आदमी आओ.
सुन सुन लड़कियों, देखो जरा प्यार से, सोचो है क्या फायदा ऐसी तकरार से। पीछे पीछे आना नहीं, हमें समझाना नहीं, हम आएंगे ना हाथ में कि हम हैं वो जन जो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। बहन जी आप इधर भजन करने आई हैं या सत्यनारायण की कथा बांचने? अगर आप तभी से पेश आएंगे तो अच्छा रहेगा। लगता है सांप की चॉइस करेक्ट है। ये हैं बड़े सांप के इकलौते और चहीते साले साहब, मिस्टर राकेश। राकेश नहीं, रॉक्सी, रॉक्सी। नमस्ते। ये है मिस वंशिका माथुर, बाबा की नई सेक्रेटरी। वाओ, फंटास्टिक, वेरी गुड। फिर तो हमारा बाबा जरूर बाबा बन जाएगा। ये जोगन और वो बाबा। आओ। मिस्टर राकेश नाथ, एक लफ्ज भी और कहा ना मेरे स्टाफ के बारे में तो मैं बड़े साहब को रिपोर्ट कर दूंगा और तुम्हारा हमारी ऑफिस के अंदर आना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। कृपा शंकर, मेरा हाथ। गदा शंकर, यू ओल्ड डफर एंड फैट मैन। ना खुद की मेंटेनेंस है ना ऑफिस की मेंटेनेंस है, सब कुछ फैला हुआ है, आउट ऑफ कंट्रोल। यू लालची, लालची। निकम्मा, निकम्मा। कंस, कंस। मामा, तुम क्या चाहते हो मैं इस ऑफिस को एक क्लब, एक पब या बार में बदल डालूं? जाओ और अपनी हैसियत के लोगों से चोंच लड़ाओ। ऑफिस की देखभाल करना तुम जैसे नाकारों का काम नहीं है। नाकारा? आई झूठा शंकर, कृपा शंकर। अरे कौन सा भी शंकर हो, अब तुम अपना काउंटडाउन शुरू कर दो। अगर मैंने तुमको स्पेस में नहीं छोड़ा ना तो मेरा नाम भी रॉक्सी नहीं, रॉक्सी आउट। यस।
मैं खूबसूरत कली और छिपकली को कभी नहीं भूलता। याद नहीं आ रहा कि इससे पहले मैंने तुम्हें किस दीवार पर रेंगते हुए देखा था। बुआ, मुझे लगता है मैं इस ऑफिस में नौकरी नहीं कर पाऊंगी। क्यों, क्या हुआ? बुआ, अभय सिन्हा एसपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक का बेटा है। मैं उसे कॉलेज से जानती हूँ। तो? ना ही वो किसी की इज्जत करता है, ना ही किसी की परवाह है उसे, और ना ही किसी काम में दिलचस्पी लेता है। ऐसी घुटन में मैं काम नहीं कर सकती। अरे बेटा, जब भी कोई आदमी नई जगह पे नौकरी करता है ना, तो उसे खुद को एडजस्ट करने में थोड़ा वक्त तो लग ही जाता है। और फिर जिस महायोग में तुझे ये नौकरी मिली है, वहीं काम करने में तेरी भलाई है। चल सो जा। बुआ, क्या सपने भी कभी सच होते हैं? सच्चे दिल से और खुली आंखों से देखे सपने हमेशा सच होते हैं बेटा। पर तू तो नींद में भी जो सपना देखेगी ना, वो भी सच होगा। चल सो जा। इस दौलत की वजह से घर में भी नहीं टिकता, और अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि ऑफिस में भी मेरा बेटा नहीं बैठेगा। सर, मैं एक सजेशन दे सकती हूँ? कहो। अगर हम मिस्टर अभय का कैबिन पूरी तरह रेनोवेट कर दे, तो नए माहौल में उनका दिल काम में जरूर लगेगा। नॉट अ बैड आइडिया, गुड, ये भी करके देख लेते हैं। पर वंशिका, इस काम को तुम्हें खुद अपने हाथों से अंजाम देना होगा। जी। और एक बात का ख्याल रहे कि तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ ऑफिस में नहीं है, 9 to 6 वो जहां भी जाए तुम्हें उसके साथ रहना होगा। ओके? यस सर। ये कलर चाहिए आपको? ये कलर ठीक है। हाँ, जल्दी लाओ। ठीक से संभाल के टेबल के उस तरफ ले जाओ। कितनी जगह भी होनी चाहिए। और वो ठीक से संभाल। Hi guys. Hey mom. Hi Rakesh mama. Roxy, no mama. Ah, Roxy. Yeah. Hey. Yeah. Yay. Excuse me. जी बेगम। What बेगम? अबे सिन्हा कहाँ है? मेरे दिल में। What? वहाँ है। Stupid man. May I come in? Hey Sim, what a pleasant surprise. तुम तो दिल में बस चुकी हो मेरी जान, और कमरे में आने की इजाजत मांग रही हो। तुम्हारे ऑफिस में सब रिटायर्ड लोग काम करते हैं, not a single handsome man. क्यों? क्या हम आपको बुजुर्ग नजर आ रहे हैं? ओह नो स्वीटहार्ट, सिर्फ एक तुम ही तो हो जिसकी वजह से ऑफिस लग रहा है ओल्ड मैन्स होम नहीं। पर व्हाट अ ब्यूटीफुल ऑफिस यार, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, लेटेस्ट फर्नीचर, खूबसूरत पर्दे, लाजवाब कार्पेट्स, ये सब जरूर तुम्हारी अपनी पसंद है।
वंशिका जी, नीम साहब के लिए गर्मा गर्म कॉफी ले आओ। एक्सक्यूज मी सर, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, आपके मेहमानों की नहीं। ओह, तो मेरे लिए कॉफी लाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? आपको कॉफी देना मेरी ड्यूटी है। ये जो ब्यूटी आपके सामने बैठी है, ये आपके बॉस की बॉस है, यानी डबल बॉस। इसीलिए अब दो कॉफी के साथ क्रीम बिस्किट्स ले आओ, ऑन द डबल, क्विक। हे सिम, पुअर गर्ल, मुझे दया आती है ऐसी गरीब लड़कियों पर। एनीवे, कल रात को पता क्या हुआ? क्या हुआ? एट द पार्टी तुम चले गए थे ना? हाँ। ओह गॉड, मैं ले जाऊं? नहीं। अच्छा बताओ, छुट्टियों के लिए कहाँ जाओगी? जहाँ तुम ले जाना चाहो। न्यूयॉर्क? That's not a romantic city. अरे यार, हम होंगे तो रोमांटिक भी हो जाएगी। That's true. Anyway, well, let's go यार, we have to reach there at 6 o'clock. हाँ यार, मुझे भी घुटन हो रही है। Tell me, what car are we taking tonight? तुम बताओ, Honda? अच्छा ठीक है, 6 बजे हम रिसेस पे जाएंगे। Great. उसके बाद 9 बजे ताबी क्लब पर डिनर। All right, what are we यार? अरे वे something cute, something like something... you. All right, you said it. Yeah, that's it. I know. Okay. Don't be late. I won't. Please. Hey, I hate minute. It. तुम कहाँ जा रही हो? आपके साथ। I'll just join you. 24 घंटे साथ रहोगी क्या? जी नहीं, 9 से 6। मैं तुम्हें 6 सेकंड तक बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, और तुम 9 घंटे मेरे साथ चिपकी रहोगी? बड़े साहब का ऑर्डर है, आप चाहे तो उनसे बात कर लीजिए। क्या तुम अपना इच्छा था और ये बस्ता यहीं छोड़ सकती हो? हम लोग शहर में ही हैं, कहीं विदेश नहीं भाग रहे हैं, समझी? Is that clear? चला गया, मुझे छोड़कर चला गया, रॉक्सी को छोड़कर चला गया। तुम्हारा उसके साथ कोई एग्रीमेंट था क्या कि वो जहां भी जाएगा तुम्हें साथ ले जाएगा? बदसूरत शंकर, कृपा शंकर, क्या है कि मैं घटिया लोगों के मुंह नहीं लगता। हम अमेरिकन स्टाइल के लोग हैं, अमेरिकन स्टाइल से जीते हैं। अच्छा, इसलिए मोनिका लुइस की अब हमारे ऑफिस में आने लगी हैं? मोनिका गई बिल में। सिम, आज मेरी सिम के साथ डेट थी, हम लोग आउटिंग पे जाने वाले थे, लेकिन अब यही खड़े खड़े पछताते रहो मामा, क्योंकि खेत तो चिड़िया चुग गई। ये घटिया चाल जरूर तेरी है, यो घटिया शंकर, कृपा शंकर। मैं अभी जाके जीजा जी से तेरी कंप्लेन करता हूँ। ए चिरकोट। तेरी लॉटरी लगी क्या? नहीं, चल जा यहाँ से। ए चिरकोट, आइंदा इस ऑफिस में कदम भी रखा ना तो मैं तुझे घर से निकलवा दूंगा, इससे पहले कि मेरे हाथों से किसी का मर्डर हो जाए। मैं चला जाता हूँ। किसी शायर ने कहा है, गर फिरदौस बर्रुई जमी अस्त, हमी अस्तु हमी अस्तु हमी अस्त। What's so beautiful? इसका मतलब है, If there be paradise on this earth, it's here, here and only here. तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ सिम? तुम्हें छूता हूँ तो ऐसा लगता है, Oh my God, hey. My fire. Come here. वो डैड ने तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए कहा है, ना ही मेरी बातें सुनने के लिए, ना ही मेरी हरकतें देखने के लिए। ये लो रुई, कान में डाल लो, और ये लो पट्टी, आंखों में बांध लो। अबे, I don't believe this. मैंने तो तुम्हें पाने का सिर्फ एक सपना देखा था, मगर आज वो सच हो गया। प्यार को छुपाना भी तो प्यार होता है ना वंशिका? यानी जब हम दोनों कॉलेज में थे तब भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करते थे? हाँ वंशिका, ये प्यार का सिलसिला दिल ही दिल न जाने कब से चल रहा था, लेकिन जुबान पर आज पहली बार आया, आई लव यू, आई लव यू। ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा।
उतरो, चलो। पर ये कहाँ? 6 बज चुके हैं मैडम, तुम्हारी ड्यूटी खत्म। पर मैं यहाँ से कैसे जाऊंगी? न बस है न टैक्सी। आप हैं? एक काम करते हैं, बेबी को अपने साथ एवलॉन डिस्कोथेक ले चलते हैं। ओह, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। इनफैक्ट वहाँ पे तुम्हें कोल्ड कॉफी पिलाकर तुम्हें कूल कैब में बिठाकर घर तक भेज देंगे। इडियट, नौकरी और नौटंकी साथ साथ करोगी? ओ समझा। ये लो 100 रुपए, तुम्हारे आने जाने का भाड़ा। लो। नमस्ते। कम कम। नमस्ते। गॉड, यू आर जस्ट टू मच। I don't believe you. Let's go. कैसे कहूं कि दिल को तेरी जुस्तजू नहीं, ये और बात है कि मेरी किस्मत सारे के सारे कागजात। यस, थैंक यू।
मैं हार गई सर। हार गई? ये नौकरी मुझसे नहीं होगी। ओ, तो तुमने भी ये मान लिया कि तुम मेरे यहां नौकरी कर रही हो? 50 लड़कियों का इंटरव्यू लेने के बाद मुझे तुम्हारी सादगी में वो ताकत नजर आई जो मेरे बेटे की दिखावे की झूठी जिंदगी को सही रास्ता दिखा सके। जिस मसले को बाप और बॉस होने के बावजूद मैं नहीं सुलझा सका, वो जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है। और इस जिम्मेदारी को मैं निभा नहीं सकी, इस बात का मुझे अफसोस है सर, मुझे माफ कर दीजिए। रुको वंशिका, अब इस तरह से मुंह मोड़कर तुम कहां जा रहे हो? हाँ, आखिर नौकरी को समझा क्या है तुमने? ऑफिस आए, वक्त पर चले गए, पहली तारीख को तनख्वाह ली और बस। ये नौकरों की जुबान मुझसे मत बोलो। सिर्फ काम का बोझ नहीं है मुझ पर, परेशानियों का पहाड़ है सामने। और तुम मत मुझे का, तुम मुझे नहीं समझी। कृपा शंकर, कृपा शंकर जी तो चले गए। घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा। You're my doll, rock and roll, feel the glamour and pink. Kiss me here, touch me there, hanky panky. You can touch, you can play. If you say, I'm always yours. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life is plastic. Excuse me, Mr. Abhisena. तुम? वो क्या है ना? Excuse me, just a minute. देखिए, इधर आओ मेरे साथ. तुम्हारे यहाँ आने की जरूरत कैसे हुई? क्योंकि इस वक्त आपकी जरूरत यहाँ से ज्यादा आपके घर पे है, आपके पिता। ओह, तो तुमने अपने पैरों को हमारी घर की चौखट पर रखे उसे और भी पवित्र कर दिया है। डैडी पे अपना इंप्रेशन बनाने के लिए तुमने मेरे आज की दिन भर की रिपोर्ट तो उन तक पहुंचाई दी होगी। तुम मिडिल क्लास के लोग रुपया पैसा चमक दमक को रातों रात समेट कर अपने घर में रखना चाहते हो। तुम्हें बड़े लोगों की खुशियों को देखकर उन्हें हमेशा छीनने की ललक बनी रहती है और तुम इसकी पूरी कोशिश भी करती हो, क्योंकि ये सब तुम्हें अपने घर के छोटे से कमरे या किचन में कभी भी हासिल नहीं हो सकता। मैं क्लास डिफरेंस पर आपसे बहस नहीं करना चाहती। फिलहाल एक बात समझ लीजिए कि अभी इसी वक्त अगर आप घर नहीं पहुंचे तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। ओ, तो इसे मैं तुम्हारा मशवरा समझूं? ऑर्डर या धमकी? आप जिस तरह भी समझे मुझे कोई परवाह नहीं। मैं आखिरी बार कहती हूँ कि आप अभी इसी वक्त घर जाए, वरना खुद को माफ करना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा और आपको पछताना पड़ेगा। घर में खामोशी क्यों है? बात क्या है? अचानक बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई बड़े साहब की। डैडी, 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 बेटे इंजेक्शन दिया है डॉक्टर ने, इन्हें सोने दो। आओ, तो मेरे साथ आओ। आओ, आओ। ये सब कैसे हुआ? टेंशन, काम का बोझ, आराम की कमी। डॉक्टर ने क्या कहा? बेड रेस्ट। अब कुछ दिनों के लिए ऑफिस और कामकाज की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी पड़ेगी। अब अरे भला हो उस वंशिका का जो ऐन वक्त पर वहां मौजूद थी। 3 दिन की नौकरी की, 30 साल का फर्ज निभाया। नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय।
दादी माँ अभय आओ बेटे दादी माँ डैडी को क्या मेरा सत्या बिल्कुल ठीक हो जाएगा अरे अभी मेरी अर्थी को कंधा देना है उसे पर तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है रे बाप के लिए परेशान है या कोई और बोझ सर पे लिए घूम रहा है हा? दादी माँ आज मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी दादी माँ भूल हो गई तो उसका प्रायश्चित कर ले प्रायश्चित कैसे करते हैं दादी माँ माफी मांग कर क्षमा में भगवान का वास होता है बेटा अपनी गलती मानकर इंसान बड़ा बनता है अपनी नजरों में भी और दूसरों की भी जैसे मदद के लिए भी भगवान खुद नहीं आते दूसरे को भेजते हैं अब देखना वो कल की लड़की भला कौन लगती है हमारी अरे अबे बेटे तुम मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था 15 दिन तक अब बड़े साहब नहीं आ पाएंगे ये रही आज की डाक इन लेटर्स का रिप्लाई ड्राफ्ट करवा के भिजवा देना और हाँ वाइट ब्रदर्स कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट फाइनल करने के लिए हमें इनवाइट किया है एक बात याद रखना ऐसे फॉरेन के प्रोजेक्ट्स में हम जैसी कई बड़ी कंपनियों की नजरें गड़ी हैं ये छिपकली कहाँ है छिपकली कहाँ है छिपकली मैं उस छिपकली की बात नहीं कर रहा हूँ अंकल मैं अपनी सेक्रेटरी की बात कर रहा हूँ ओ तो आप अपनी सेक्रेटरी को छिपकली समझते हैं वो तो अपना पेस्ट कंट्रोल करवा कर चली गई बेटे मतलब ये रहा उसका रेजिग्नेशन लेटर इस्तीफा 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 कैसे दे सकती है नौकरी है कि मजाक समझ रखा है बेटे वो तो नौकरी ही करने आई थी मजाक तो तुमने उसका बनाया कहिए यस जी आपकी बड़ी दीदी वंशिका जी घर पे हैं क्या तुम अबे सिन्हा एसपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आप आइए आइए प्लीज अंदर आइए ना बैठे ना प्लीज आपकी दीदी कहीं बाहर गई क्या जी वंशिका मेरी भतीजी है मैं उसकी बुआ हूँ बुआ जी अरे नहीं 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 इट जस्ट कांट बी सच्चाई को आप मजाक समझ रहे हैं वंशिका गोदी में थी जब मेरे भैया भाभी प्लेन क्रैश में मारे गए एक्चुअली मैंने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया है पर उम्र तो आपकी कहीं से झलकती ही नहीं है जी वैसे ही दुबली पतली और लंबी वैसे ही काले खूबसूरत बाल वैसे ही उम्मीद से भरी हुई आंखें वैसे ही दमकता हुआ चेहरा आप भी देखिए देखिए आप मुझसे सच मत बुलवाइए वरना आप बुरा मान जाएंगी नहीं नहीं इसमें बुराई क्या है मेरा मतलब है भले आप मुझे दोबारा इस घर में कदम न रखने दें पर सच्चाई ये है कि आप मानसरोवर में खिले हुए कमल की फूल की तरह पाक साफ दिखाई देती न मन में मैल न तन में आप बैठिए मैं आपके लिए लड्डू लाती हूँ अबे सिन्हा तुझे तो सिम के साथ अपनी शाम गुजारने जाना था कहाँ इस लड्डू के चक्कर में फंस गया सब झेलना पड़ेगा एल्बम पुरानी है देखो देखो पुरानी ओह माय गॉड इज दिस रियली यू ये कितनी अच्छी फोटोग्राफ है ये पता है कब की है जब मैं तुम्हारी उम्र की थी क्या कह रही हैं आप लगता है तो अभी की फोटोग्राफ है नहीं नहीं आई कांट बिलीव इट सच है लड्डू काश आप मुझे 15 साल पहले मिली होती तो क्या होता तो ये लड्डू मेरे माता पिता यहीं बैठकर खा रहे होते क्या? वैसे वंशिका जी घर पे नहीं क्या वंशी वो तो ऑफिस गई है नौकरी से तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है इस्तीफा दे दिया हाँ। मगर क्यों अजीब बात है वो तो मुझसे कुछ छुपाती नहीं है वो क्या हुआ कि मुझसे एक भूल हो गई थी क्या यू नो आई वाज अ लिटिल रूड टू हर जी मुझे इस बात का पूरा अफसोस है
एक्चुअली आप मेरी तरफ से उन्हें प्लीज सॉरी कह दीजिए और प्लीज कल सवेरे उन्हें ऑफिस जरूर भेज दीजिए। थैंक यू। जा रहे हो? आते रहना। हाँ, तुम्हारे आने से पूरे घर का माहौल ही बदल गया। मेरी गाड़ी में एक छोटा सा ऑटोमेटिक ब्रेक है। मैं जब भी यहां से गुजरूंगा ना, गाड़ी अपने आप ही रुक जाएगी। देखिए, अगर आप मुझे सचमुच अपना मानती हैं, तो कल वंशिका जी को ऑफिस जरूर भेज दीजिए। उसकी तुम कोई फिक्र मत करो। अगर वंशिका को इस घर में रहना है ना, तो उसे तुम्हारी कंपनी में नौकरी करनी ही पड़ेगी। ये मैं वादा करती हूँ। थैंक यू सो मच। काश आप मुझे 15 साल पहले मिली होती तो क्या होता? तो ये लड्डू मेरे माता पिता यहीं बैठ कर खा रहे हो। तू भी यही कर रही है तो भला मुझे हैरत क्यों हो? किस बात का दुख हो? मत जाना, हर किस मत जाना वहां। सिर्फ उसी दिन जाना जिस दिन तेरे पास अपनी बुआ की कफन के लिए पैसे ना हो। नहीं बुआ, नहीं, मैं कल से वहां नौकरी पर जाऊंगी, मगर एक शर्त पर। पहले आप चॉकलेट खाकर अपना मुंह मीठा करो। ऐसी रूसी को कोई भूले से भी ठोकर नहीं मारता मेरी बच्ची। जरा सोच, इस मतलबी दुनिया में अपने अपनों के घर नहीं जाते, फिर वो मालिक होकर तुझसे माफी मांगने आया, तुझे मनाने आया। अब वो तेरे लिए ऑफिस नहीं, दूसरा पसीरा है मेरी बच्ची। प्लीज पहले तू। परसों की गई, आज ऑफिस में आई है। कितनी मासूम है, जानबूझ के अनजान बन रही है ना? मैं क्या जान गई हूँ? छोटे बॉस परसों दो पंछियों के साथ इसी ऑफिस से उड़े थे, एक विदेशी एक देसी। विदेशी के तो पर पहले से कतरे हुए थे। तुम तो नई पिंजरे में आई हो। सच? बता दो ना, किसकी चुड़िया खनकी और किसने सुनी? I'm not afraid to die.
वंशिका, ये रहा मेरी उस दिन की बदतमीजी का मुंहतोड़ जवाब। आज तुम्हें मेरे हाथ की बनी हुई कॉफी पीनी पड़ेगी। टेक इट, कम कम ऑन। और ये शहर की सबसे बड़ी बेकरी के स्पेशल बिस्किट्स तुम्हारे लिए, खाओ। जानती हो वंशिका, तुम्हारे बगैर मैं ऑफिस में अपाहिज हो जाता हूं। जो मैं जानती हूं, आप मुझे वो क्यों बता रहे सर? वंशिका, तुम क्या समझती हो कि तुम ऑफिस में सिर्फ मेरी सेक्रेटरी हो? ओह नो 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 नो, तुम मेरी ऑफिस की, मेरी जिंदगी की, मेरी हर राज की बराबर की हिस्सेदार हो, यानी कि मेरी हमराज हो। और अब तो मेरी जिंदगी में वो मोड़ आ चुका है जहां तुम्हारी मदद के बगैर मैं सांस तक नहीं ले सकता हूं। हाँ सर, हमारी फॉरेन कंसाइनमेंट तकरीबन फाइनल हो चुकी है। आप प्रोजेक्ट मीटिंग के सिलसिले में विदेश जाना कब पसंद करेंगे? तुम क्या समझती हो, मैं विदेश अकेले जाऊंगा? फिर गौर से सुनो, पहली फ्लाइट से मैं अकेले विदेश जाऊंगा। उसके बाद? उसके बाद क्या सर? उसके एक दिन बाद दूसरी फ्लाइट की दो टिकटें तुम्हें बुक करनी है। दो टिकटें? हाँ, एक मामा जी के लिए और दूसरी मेरी सिम के लिए। सिम? सिम का हमारे प्रोजेक्ट से क्या वास्ता सर? सिम का कंपनी के प्रोजेक्ट से नहीं, मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट से वास्ता है। सिम के साथ मैं वहां हनीमून मनाने के लिए जा रहा हूं। पर ना सच पूछो तो ये कंपनी, ये प्रोजेक्ट्स, इन्हें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं जानता हूं अंशिका कि मेरे डैडी कृपा शंकर जी, याद है कि मेरी दादी माँ की आंखों में कोई धूल झोंक सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। वहां वो लोग तुम पर भरोसा करते हैं और यहां तुम मेरा विश्वास हरगिज नहीं तोड़ सकती, क्योंकि मेरा हुक्म मानना तुम्हारी ड्यूटी है। ओके? हमारे खानदान में शादी से पहले सुहाग रात का ये पहला मौका है। कल को शादी से पहले एक हंसता खेलता बच्चा भी हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो सकता। एसपी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का लावारिस वारिस। इन हालातों में हम खामोश नहीं रह सकते। आंख के सामने मक्खी नहीं निकली जा सकती सर। मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया है कि ये मामा जो मेरे चंदन जैसे बेटे के साथ सांप की तरह लिपटा हुआ है, इस सांप को चंदन से हमेशा के लिए अलग कर दिया जाए। समझ में नहीं आ रहा है सर, ये कैसे होगा? मैं बताता हूं ये कैसे होगा। रॉक्सी, yes. वो सेक्रेटरी हमारे टिकट लेके आने वाली है ना? पर भाई शी कितनी लेट देनी यार। अरे समझने की कोशिश करो, जीजा जी सिर्फ टिकट थोड़ा ही भेजेंगे। फिर? अरे कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भेज देंगे, मेरे बिना उनकी गाड़ी चलने वाली थोड़ी है। गॉड, मोटा मर जा। नीचे। रॉक्सी, ये बवाल कहाँ से आ गया? बवाल? कैसा बवाल? ये हाथी का बच्चा बिना सूंड का आदमी दिख रहा तुमको? हाँ हाँ, तुम्हारे डैडी है क्या? डैडी नहीं, जीजा जी का खबरी है। मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ देखकर अफेयर, किडनैपिंग, छोकरी बाजी, ये सब बढ़ा चढ़ा कर जीजा जी के कान भर देगा। छुप जा, छुप जा, छुप जा। क्या है? रॉक्सी। अरे मामा जी, आपको भाग के नहीं, आपको उड़ के जाना है। ये रही आपकी टिकटें, एक आपके लिए और एक बेबी सिम के लिए। वो क्या है, शंकर जयकिशन जी? कृपा शंकर जी। हाँ वही, ये मिस सिम भांजे की। समझ गया समझ गया, किसी से नहीं बताऊंगा, बस प्रॉमिस प्रॉमिस। ये भांजे की जानता हूँ। अच्छा अच्छा,
जानता हूँ। ये क्या, हम लोग सीधा अभय के पास नहीं जा रहे क्या? नहीं, ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हैंडओवर करने हैं। क्या? अब कुछ तो तकलीफ उठानी पड़ेगी ना। अगर आप कहें तो मैं जीजा जी से बात करता हूँ। नहीं नहीं, हट। वो क्या है कि जीजा जी का मेरे सिवा कोई नहीं है ना, यू नो, भरोसेमंद, रिलायबल, तो हमको ये करना पड़ेगा ना। लेट्स गो। हैंड डिलीवरी वर्क इज वर्शिप। बाय बाय मामा जी, हैव अ नाइस टाइम। Oh my sim, oh my sim, oh my darling, my sim, I'm waiting for you and I am only yours. You handsome bugger. Is it okay, sir? Oh, very nice. Thank you very much. This side? Sir, क्या आज आपकी सुहाग रात है? No bloody सुहाग. I'm just honeymooning with my darling Sim today. But sir, हिंदुस्तान में शादी से पहले सुहाग रात? हिंदुस्तान में? तुमने हिंदी कहाँ से सीखी? सर, अच्छे दिनों में मैं कलकत्ता में रहा हूँ। ओहो, हिंदुस्तान में लोग तरक्की करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और तुम लोग विदेश में रहकर भी ये पिछड़ी की बातें करते हो? Come on man, choke up in life. This is for you. Thank you sir. Mm-hmm. And this is for you. Thank you sir. Enjoy your honeymoon. I will. Thank you. I will. My Sim. Yes, please. Yes, hello, Mr. Sinha. Your guest has arrived now. Arrived? Just a moment. I'm just coming, huh? Can't you see I love you? Please don't break my heart into a... I'm sorry. It's all right. I love you. Please don't break my heart into... And that's not hard to do. छिपकली? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम? जी। तुम? जी। तुम यहाँ कैसे आई? बड़े साहब ने भेजा है। बड़े साहब ने भेजा है? हाँ। चलो। चलो। अब मैं बताता हूं तुम यहां कैसे आई हो। तुम एक निहायत ही चालबाज और फरेबी लड़की हो। तुम्हारी रगत में मक्कारी भरी हुई है। अपने भोलेपन का मुखौटा उतार कर फेंक दो। तुम्हारी असलियत यह है कि तुमने सबसे पहले ये पुराने स्टाइल के कपड़ों को झलकाकर मेरे डैडी से अपनी नौकरी झटक ली। फिर आज अपनी गरीबी का कोड़ दिखाकर तुमने मेरे डैडी का दिल जीत लिया होगा, क्योंकि तुम्हारी औकात तो अपने पैसे से चौपाटी घूमने की भी नहीं है। यहां का नाम सुनकर तुम्हारे दिल में गुब्बारे फूटने लगे होंगे, और तुमने डैडी को अपने चंगुल में लेकर यहाँ आने का रास्ता बना ही लिया। तुम औरत जात पे काला धब्बा हो। अब एक बात तुम आखिरी बार अपने दिल और दिमाग में ठान लो। मुझे उस दिन तुमसे इतनी नफरत नहीं थी जिस दिन मैंने तुम्हें ऑफिस में पहली बार देखा। उस दिन भी इतनी नफरत नहीं थी जिस दिन ना चाहते हुए मना कर मैं तुम्हें ऑफिस में ले आया। लेकिन आज आज तुम्हें यहाँ देख कर मेरे अंदर एक लावा फूट रहा है, नफरत का लावा। और तुम्हारा ये मनहूस चेहरा मैं दोबारा कभी नहीं देखना चाहता। चकुला, 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 चकुला। ए, 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 लिसन। साला बैंगन। मैनेजर कृपा शंकर ने तो डॉक्यूमेंट्स हैंड डिलीवर करने दिए थे, पर यहाँ तो हमें हाउस अरेस्ट कर दिया है इन लोगों ने। कौन है ये डेंजरस लोग? मैं नहीं जानता। हमें एयरपोर्ट से सीधे इस सुनसान जगह पर ये क्यों ले आए हैं?
मैं नहीं जानता। आखिर ये हम लोगों से चाहते क्या हैं? मैं नहीं जानता। तो फिर तुम जानते क्या हो रॉक्सी? या तो अभय से दूर हटाने की चाल है, या फिर हमें मरवाने की साजिश। लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। मरना तो कोई नहीं चाहता सिंह। क्या बचने का कोई रास्ता नहीं है? सोचने दो मुझे। या तो इनसे खुद लड़कर मुझे तुमको बचाना होगा, या फिर मेरा अभय इन चालबाजों की ईंट से ईंट बजा देगा। हेलो 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 कृपया शंकर जी। अभय मामा कहाँ है? क्यों मामा अभी तक वहां पहुंचे नहीं? अगर वो यहाँ पहुंच गए होते तो मैं ये दुखड़ा टेलीफोन पे नहीं गा रहा होता, समझे? हाँ, ये बात भी सही है। वो क्या है कि तुम्हारे डैडी को कुछ इम्पोर्टेंट बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैंड डिलीवर करवाने थे, तुम्हारे मामा और वो वहाँ से सीधे पहुँच जाएंगे। हाँ, नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो डैडी से बात करवाऊँ? नहीं नहीं अंकल, उसकी कोई जरूरत नहीं। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि यहाँ छिपकली को क्यों भेजा है। बेटे ये फैसला भी बड़े साहब ने ही किया है। नहीं नहीं, तुम्हें कोई परेशानी हो तो बड़े साहब से बात करवाऊँ? नहीं नहीं अंकल, कोई परेशानी नहीं। और डैडी के कानों में डालने लायक ऐसी कोई बात है ही नहीं। ओके अंकल, गुड बाय अंकल। गुड बाय। क्या हुआ? लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलवाने जा रही हूँ जो कल तक इस होटल में सिर्फ एक गेस्ट थे, लेकिन आज से इस होटल के मालिक बन गए हैं। उन्होंने ये होटल अनइमेजिनेबल प्राइस देकर खरीद लिया है। एंड टुडे फॉर यू Everything is on the house. जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। वो है मिस्टर जब्बार खगोशी। ये जब्बार खगोशी क्या चीज़ है? आप जब्बार खगोशी को नहीं जानते? जब्बार खगोशी वो शख्सियत है जिससे दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। अब मैं मिस्टर जब्बार खगोशी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो यहाँ आए और आप लोगों से दो बातें कहें। थैंक यू एवरीबॉडी। दोस्तों, हम एक पार्क ही हैं, उन हीरों का जो जमीन के अंदर होते हैं, उन हीरों का जो जमीन के ऊपर रहते हैं, और उनका भी जो आसमान में चमकते हैं। कामयाबी हासिल करना हमारी जिंदगी का मकसद है। अक्सर लोग हमसे हमारे कामयाबी का राज जानना चाहते हैं, और हमेशा उनके लिए हमारा एक ही जवाब होता है, जो पार्क ही नहीं है वो मामूली इंसान है, और जो परखने की ताकत रखता है वो जब्बार खगोशी है। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक योर अटेंशन प्लीज। आई एम अबाउट टू इंट्रोड्यूस टू यू अ ब्यूटीफुल गर्ल। इन फैक्ट सच अ गॉर्जियस गर्ल डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। In fact, I'm going to call her now simply Miss India.
चमक आऊं। इज इट ओके? थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर। वन टू थ्री फोर फाइव मजिका लिए मैं ठीक हूँ, मैं जा सकता हूँ। वंशिका मैं ठीक हूँ। वंशिका आई एम ड्रंक। You're so beautiful, Vanshika. You're so beautiful, baby. तुम बहुत सुंदर हो वंशिका। सुंदरता तो मन से पहचानी जाती है, पर तुमने तन से पहचाना। चलो जब आँख खुले तभी सवेरा है। तो इसका मतलब कल रात मैं और तुम इसी कमरे में थे? बिल्कुल। हमने रात साथ साथ गुजारी? एक साथ एक ही बिस्तर पर? तुमने अपने बिस्तर पर और मैंने बाथटब में। ओह, लेकिन वंशिका एक बात के लिए सारी उम्र तुम्हें मेरा एहसान मानना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी काया पलट कर दी है, पुराने युग से उठा के सीधे मॉडर्न एज तक ले आया हूं। तुमने कभी नाटक देखा है? स्टेज प्ले। अगर नाटक का कलाकार नाटक के कपड़े पहनकर घर चला जाए, सड़कों पर घूमे, दोस्तों के साथ वक्त गुजारे, तो तुम उसे क्या कहोगे? पागल। शुक्र करो ये पदवी मैंने तुम्हें नहीं दी। मैंने नौकरी की है और अपनी सीमा में रहकर मैं अपना पहनावा बदल लूं तो ये मेरे मालिक की मजबूरी है, मेरी नहीं। मेरी मजबूरी के खातिर तुम और क्या क्या कर सकती हो? मुझे जो करना था मैंने करके दिखा दिया। अब बारी तुम्हारी है। आज वो दिन है जिस काम के लिए तुम हजारों किलोमीटर दूर अपना घर बार छोड़कर यहाँ आए हो। मुझे ना तो किसी कॉन्फ्रेंस में जाने की जरूरत है और ना ही किसी मीटिंग को अटेंड करने की मजबूरी। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। आखिर तुम्हारी पहचान क्या है? नाम अभय सिन्हा। बाप का नाम श्री सत्य प्रकाश सिन्हा। क्या करते हो? एक अमीर बाप का बेटा हूँ, क्या इतना परिचय काफी नहीं है? क्या करना चाहते हो? एक अरबोपति बाप के बेटे को दुनिया में कुछ करने की जरूरत ही क्या है? क्या निठल्ला होना काफी नहीं है? किस नाम या काम के दम पर कर लोग तुम्हें याद रखेंगे? श्री सत्य प्रकाश सिन्हा के बेटे के नाम से तुम वो कीमती लाडले बेटे हो जो अपने बाप के नाम के साथ दुनिया में पैदा हुए और अपने बाप के नाम के साथ दुनिया में अमर हो जाओगे। Shut up! तुम मेरी सेक्रेटरी बनकर आई हो, मेरी बीवी बनने की कोशिश मत करो। उस लड़की के किस्मत पर हजार लानत होगी जो तुम्हारे जैसे जोक के साथ अपना रिश्ता जोड़ेगी। किस मुंह से बका था मैं बद्दुमा दाग हूँ औरत साथ पर, लेकिन इस दाग ने तो साबित कर दिया कि वो आज पूरे जमाने को हिला देने की ताकत रखती है। पर तुम
तुमने क्या साबित किया कि तुम एक ऐसा दाग हो जिसको पूरा घर खानदान समाज कोई नहीं मिटा सकता। नकारा कहीं का काम चोर अय्याश। बहुत बहुत बेइज्जती की तुमने मेरी और मैं सबर का घूंट पीती रही। अब बाथरूम में घुसने से क्या होगा? क्या तुम कभी खुद अपना सामना कर पाओगे? जरा देखो आईने में, तू खुद से भी मुकाबला करने लायक नहीं हो। सोसाइटी और फर्ज तो बहुत दूर की बात है। लानत है तुझ पे, तेरी मर्दानगी पे और तेरे जैसे काम चोर पे। कहाँ चलना है मुझे? That's all. Thank you very much. I hereby request Mr. Abhay Sinha to speak a few words regarding our noted project. Good evening, ladies and gentlemen. It is a great honor being here with you today. I've come to represent India because India is a great country and I believe in my country. All of you are very successful people in different walks of life and different businesses all over the world. I, on the other hand, am young, inexperienced, and a bit nervous. Thank you so much for listening to me. Will you look after Vanshika? Hmm. Mr. Sinha. Yes? We spoke exceedingly. Thank you. Excuse me? Ji? Aap Mr. Abhay Sinha ki secretary hain? Yes. Gaur se dekhiye is map ko. Hamare kai islands mein se, ye sabse khoobsurat aur sabse chota island hai. हम चाहते हैं कि इस जगह पर एक ऐसा शानदार होटल बने जो इस दुनिया में आज तक ना किसी ने बनाया हो ना आगे कोई बना सके। इतना शानदार कि इस होटल में कदम रखते ही इंसान अपने तमाम गमों को भूल जाए। वेल, इट्स अ ड्रीम, सिर्फ एक सपना है और इस सपने को हकीकत में बदलना आपका पेशा है। मिस्टर खगोशी, ऐसी जगह को बनाना मुश्किल काम है, नामुमकिन नहीं। खर्चे की फिक्र बिल्कुल मत कीजिएगा। हम वादा करते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए जो मेहनत और प्लानिंग आप करेंगे उसके लिए हम एक पैसा भी नहीं देंगे। यानी? यानी इस होटल में हम आपको पार्टनरशिप देंगे, 60% हमारा, 40% आपका। पार्टनरशिप हमेशा बराबर और बराबरी वालों में होती है मिस्टर खगोशी। यकीनन आपके बिजनेस समझाने का यह अंदाज हमें बहुत पसंद आया। 50-50 डन। खगोशी पार्की है, लुटेरा नहीं। वेल देन, कल ही हम लोग यहां से रवाना होंगे। आप लोग सफर की तैयारी करें। बाय, सी यू टुमारो मिस वंशा। थैंक यू, कम ऑन डार्लिंग, बाय बाय। कंग्रेचुलेशंस वंशिका, कहावत पुरानी है पर आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ जरूर होता है और मेरे लिए वो तुम हो। कुछ भी न जाने
तुझे ये दिल दीवाना है कहना ना माने ये दिल तो पागल है कुछ भी ना जाने ये दिल दीवाना है कहना ना माने ये दिल तो पागल है कुछ भी ना बेटा बहुत बहुत मुबारक हो। अरे जब शेर का बच्चा पहली बार जंगल में शिकार करने जाता है तो खरगोश थोड़े ही मारता है, कम से कम 12 सिंगे को मारता है। और आज तुमने वो साबित कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, आई एम प्राउड ऑफ यू। डैडी, इस सफलता का सेहरा सिर्फ मेरा नहीं है, वंशिका भी इसमें बराबर की हकदार है। मैं बूढ़ा जरूर हूं बेटा, मगर इतना सठियाया हुआ नहीं हूं जो वंशिका को तुम्हारी मदद के लिए वहां भेजा है। और डैड, मुझे एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला है जिसके लिए मुझे कुछ दिन तक रुकना पड़ेगा और कुछ नई जगह जाना पड़ेगा। मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। देखो अबे, अब तुम बड़े हो चुके हो, अपने फैसले खुद ब खुद ले सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू डैड। बेटे वंशिका कहाँ है? उसे भी तो फोन दो। एक मिनट डैड। वंशिका, डैड, डैड। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत खुश हूं वंशिका कि तुम इस इम्तिहान में खरी उतरी। थैंक यू सर। और सुनो, अबे जिस नए असाइनमेंट की बात कर रहा है उस पे ध्यान देना। जी। और अबे का ख्याल रखना।
ओके सर, ऑल द बेस्ट। ये तो चमत्कार हो गया कृपा शंकर जी, इस वंश का ने तो इस वंश के चक्र को चला डाला। Get down. Over there. There. Mongo ilio sedia batuwako. Ili watuwako patu asimo amilan. Ili wakunawo asima katika dunian. Amen. हे रॉक्सी, ये क्या बुदबुदा रहा है? ये कह रहा है कि अब सिर्फ भगवान ही हमारी जान बचा सकते हैं। और मुझे तो भगवान के नजर नहीं आ रहे हैं जो हमें समुद्र से बाहर निकालेंगे। तकदीर ने हमें मिलाया है तो खुशकिस्मती जरूर हमारा बेड़ा पार करेगी। हे रॉक्सी, तुम्हारे ख्याल इतने कैसे बदल गए? जब मैं जिंदा था मेरे अपने मुझसे दूर रहे, और जब मौत के करीब हूं तो सिर्फ तुम मेरे पास हो। सोच रहा हूं कि कहीं हम बच गए तो ऐसी दुनिया बनाएंगे जहां पर कोई किसी से नफरत ना करे। यस रॉक्सी। तो फिर आओ, जितना वक्त जिए प्यार से जिए। यू आर राइट रॉक्सी, आई हैव रियली स्टार्टेड लाइकिंग यू, यू आर अ नाइस गाय। मूव। यहां से जहां तक आप लोगों की नजरें देख सकती हैं, इस सारी जमीन के मालिक हम हैं। खगोशी साहब, ये तो इतनी सारी जमीन है जो कई मुल्कों के पास भी नहीं होगी। यानी जो भी यहां आएगा अपनी मर्जी से और जाएगा आपकी मर्जी से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वाकई हमारे मेहमान आते अपनी मर्जी से हैं, मगर जाते हमारी मर्जी से। Can't you see? It's beautiful. देखो ना। ओह। समझ गए। Hello, darling. Welcome, Miss Vanshika Mathur. Welcome, Mr. Abhay Sinha. Pleased to meet you. I hope you had a comfortable journey. Yes, thank you. आज आप लोगों की आने की खुशी में शाम को एक जश्न का इंतजाम किया गया है। Oh, by the way, हमारे जश्न में सिर्फ मेजबान को ही नहीं, मेहमानों को भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। Are you prepared? Sure. Shall we? Please come. Thank you. Come, let's go. Yeah. Lovely weather.
कहावत पुरानी है, पर आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी ना किसी औरत का हाथ होता है, और मेरे लिए वो तुम हो। Come in. अबे मुझसे रहा नहीं गया वंशिका, सच कहो तुम भी मेरे बारे में सोच रही थी ना? हाँ। वंशिका मैंने फैसला कर लिया है कि आज से हमेशा के लिए मैं तुम्हें अपने आप में संभालूंगा। Let's have a good time. अकेलेपन में किसी भी लड़की या लड़के के मन में ऐसे ख्याल आ सकते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जज्बात में बहकर सारे बंधन तोड़ दे। कहना क्या चाहती हो तुम? दुनिया की हर लड़की एक सपना देखती है जिसमें एक राजकुमार होता है। उसको विश्वास होता है कि एक दिन घोड़े पर सवार होकर वो आएगा और अग्नि को साक्षी मानकर एक अटूट बंधन में बांधकर अपने साथ ले जाएगा। अब हंस क्यों रहे हैं? देखो अपने मामा का हशर देखने के बाद इन ढेरों ढेरों को नहीं मानता हूं मैं। ना ही किसी बंधन के पछड़े में पड़ना चाहता हूं, और ना ही ऐसे वाहियात सपने देखने का वक्त है मेरे पास। कम ऑन वंशिका, यू आर अ ग्रोन अप गर्ल, भूल जाओ अपने बंधनों वंधनों को, अपने सपनों के राजकुमार को। कम ऑन। बदकिस्मती से ज्यादातर लड़कियों को भूलना ही पड़ता है, क्योंकि हकीकत में उनका रिश्ता ऐसे आदमियों से होता है जो उनके सपनों जैसा नहीं होता, न सूरत से ना ही सीरत से। और ये भी उतना ही सच है कि बिना बंधन के रिश्तों को अय्याशी कहते हैं, जो मेरे संस्कारों में नहीं है। ओ कम ऑन वंशिका, बंद करो अपना एक हिस्सा पिटा रोना, वरना तुम भी पुराने जमाने की कठपुतली बनकर रह जाओगी जो संस्कार के डोर में बंद कर सिर्फ अपने माँ बाप के आंगन में सड़ जाते, या सेवा करते करते अपने ससुराल में मर जाते। ना उन्हें किसी तरह की खुशी नसीब होती है और ना ही वो मौज मस्ती की जिंदगी गुजार सकते हैं। मैं मौज मस्ती करना अच्छी तरह से जानती हूँ और अपना नसीब भी खुद बदल सकती हूँ। यकीन मानो अगर मैं अपना पहनावा बदल सकती हूँ तो अपने सारे बंधन और संस्कार भी तोड़ सकती हूँ। समझे मिस्टर अभय सिन्हा? Now you may please leave. Hey!
कौन लगता है वो तुम्हारा, जिसके साथ बड़े ठसके से नाच रही थी तुम? मैं जानना चाहता हूँ कि उसके और तुम्हारे बीच में क्या रिश्ता है। कोई नहीं, सिर्फ एक डांसिंग पार्टनर। डांसिंग पार्टनर? तो फिर अपने डांसिंग पार्टनर के साथ तुम ऐसे क्यों चिपकी थी जैसे कि वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है? लाइफ पार्टनर सिर्फ लव सुना है या उसके मायने भी जानते हो? वो सिम क्या तुम्हारी लाइफ पार्टनर थी जिसके साथ बिना शादी किए हनीमून मनाने तुम उसे यहाँ लाने वाले थे? ये मेरा पर्सनल मामला है, ओके? तो फिर मेरा फैसला अचानक तुम्हारा पर्सनल मामला कैसे हो गया? ये मेरी मर्जी है, उस आदमी के साथ मैं कैसे डांस करूं जिसके यहाँ मैं मेहमान हूँ। क्यों, मेहमान और मेजबान के बीच कितनी दूरी रहनी चाहिए, ये किसी ने सिखाया नहीं तुम्हें? क्यों, मैं तुम्हारे तौर तरीके सीख गई हूँ ये देखकर जलन हो रही है तुम्हें? जलन नहीं, नफरत हो रही है तुमसे। मैं तुम्हारे लिए सारी सीमाएं तोड़ दूं, इसमें कोई जलन या नफरत नहीं होगी तुम्हें, और मैं अपनी मर्जी से किसी दूसरे से हंस गालूं तो पहाड़ टूट गया तुम पर। अपनी दोगली मर्जी को मुझ पर लादने की कोशिश मत करना। मैंने तुम्हारी यहाँ नौकरी की है, तुम्हारी खरीदी हुई बांधी या गुलाम नहीं हूँ। मैं तुम्हें अभी इसी वक्त इस नौकरी से डिसमिस करता हूँ। टू हेल विथ योर जॉब, मैं थूकती हूँ ऐसी नौकरी और ऐसे बॉस पर जो काम की आड़ में अपने जिस्म की भूख मिटाना चाहता है। यू पर खागोशी साहब, यहाँ पर तो ऐसे फूल है जिनका आजकल मौसम भी नहीं है, फिर आप इन्हें इतना हरा भरा और खिला हुआ कैसे रखते हैं? बड़े बड़े साइंटिस्ट काम करते हैं हमारे पास, रोज नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, इसीलिए हमारा ये गार्डन हमेशा हरा भरा रहता है। भले ही इन फूलों को अपनी डालियों से अलग कर दिया जाए या इनकी जड़ों को काट दिया जाए, ये कभी मुरझाएंगे नहीं, हमेशा खिले रहेंगे, और इनका खिले रहना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। प्लीज कम। अब हम आप लोगों को कुछ पर्सनल कलेक्शंस दिखाएंगे, जिन्हें देखने का नसीब सिर्फ उन्हीं लोगों को होता है जो हमारे अपने होते हैं। बड़े खुशकिस्मत हैं आप जो आज आपको अपने मिल गए। और कितने बदनसीब होते हैं वो लोग जिनके अपने भी पराए हो जाते हैं। Shall we? अरे तुम लोग कहां पीछे रह गए, आओ आओ। ये हमारी आखिरी नुमाइश है। और मैं चाहता हूं कि तुम अपने मुबारक हाथों से इसका इनॉग्रेशन करो। लो। इस पर्दे के पीछे क्या है? इस राज को अभी खोल देंगे तो उसे देखने के बाद जो खुशी तुम्हें मिलेगी उसका एहसास हमें कैसे होगा? मैडम प्लीज इनॉग्रेट दिस शो। ऑफ कोर्स, आपकी खुशी के लिए मैं इसे बेपर्दा करती हूँ। खूबसूरत लग रही है हमारी डायना, तुम्हारे इस मुस्कुराहट से हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इसीलिए बुत बनाने के बावजूद
हम तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। देखो वंशिका, कितनी मासूम लग रही है। अब इसकी ये कशिश, ये जवानी उम्र के साथ कभी नहीं ढलेगी। जानती हो वंशिका, जब तक हम तुमसे नहीं मिले थे, हमें हमेशा ये लगता था कि डायना ही इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है। जितनी तुम्हारे अंदर नजाकत है, उतनी ही तुम्हारी आवाज में जादू है। मेरे साथ नाचकर तुमने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। कल रात का जश्न डायना के रुखसत और तुम्हारे स्वागत का जश्न था। अब डायना हमारी शाख बन चुकी है और तुम हमारा नसीब। मिस्टर अभय सिन्हा, रोशनी में इत्मीनान से बैठकर बातें करते हैं। आओ वंशिका, मेरे ख्याल से इसके सिवा तुम दोनों के पास और कोई चारा भी तो नहीं है। कम फील इट होम। आओ वंशिका, हैव अ सीट। तशरीफ रखिए मिस्टर सिन्हा, प्लीज। वंशिका को हासिल करना हमारी जिंदगी का मकसद था, जो आज पूरा हुआ। मिस्टर अभय सिन्हा, झूठा सौदा किया था हमने तुम्हारे साथ। उसकी सजा है कि हम तुम्हें इतनी बड़ी रकम दें कि तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में हमारे तस्वीरों से भी बड़ा आलिशान होटल बना सको। तुम्हारी सेक्रेटरी के अवज में भी हम हर जाना भरेंगे। ऐसा हर जाना जो ना तुमने कभी सुना होगा, ना देखा होगा, और ना ही तुम्हारे दिमाग ने कभी सोचा होगा। ऐसे 500 हीरे हैं इस थैली में, बेशकीमती हीरे। सब तुम्हारे हैं। हमारे आदमी तुम्हें सही सलामत सरहद के उस पार पहुंचा देंगे। तुम्हारे नसीब में दौलत है और हमारे मुकद्दर में मोहब्बत। मिस्टर अभय सिन्हा, हमें किसी भी तरह की चालबाजी पसंद नहीं है। जिन्हें हम चाहते हैं उन्हें मुस्कुराते हुए संभाल कर अपने पास रखते हैं। सिर्फ सोचना, जिनसे हम नफरत करेंगे उनको हम क्या अंजाम देंगे। बेफिक्र रहिए खगोशी साहब, आपकी जाती जिंदगी से मेरा कोई वास्ता नहीं। ऑल द बेस्ट सर। बाय वंशिका। रुको, कम अकल तुम्हें नहीं समझेगा, पर तुम्हारी वजह से हम जान चुके हैं कि एक मर्द की जिंदगी में शादी की क्या अहमियत होती है। हम वादा करते हैं कल ही हम दोनों की शादी हो जाएगी।
तुम और तुम्हारी इज्जत इस जगह उतनी ही महफूज है जितनी तुम अपने मां बाप के घर में थी। खगोशी बारखी है, लुटेरा नहीं। इसके आगे अब कुछ भी नहीं है। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, सीधा ऊपर जाने का। समझदार हो। मरने से पहले किसी को याद करना चाहोगे? याद करने से भगवान मुझसे यहां मिलने आएंगे तो नहीं। हां, वहां जाने के बाद जो मुझे देखने को नहीं मिलेगा, क्यों ना उसे आखिरी बार देख लूं? जो भी देखना है जल्दी देखो। हीरो को कमाने में 50 जन्म लग जाते हैं और इन्हें पाने के बाद आने वाली 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। अगर मैं ये हीरे तुम लोगों को दे दूं तो ये लो। तुम लोगों के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मेरे हाथों मर जाओ या फिर ये हीरे लेकर यहां से हमेशा के लिए भाग जाओ और एक ऐशो आराम की जिंदगी गुजारो। हां, लेकिन जाने से पहले मुझे यहां से बाहर जाने का रास्ता जरूर बता दो। बोलो। यहां से राइट को मुड़कर सीधे जाओगे तो 1/2 किलोमीटर चलने के बाद एक लकड़ी का पुराना पुल मिलेगा। पुल के इस पार जब्बार खगोशी का इलाका है और पुल के उस पार हमारी आजादी। शादी का जोड़ा रख दो। हमें यकीन है इसे पहनकर तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लगोगी। तरस आता है हमें तुम्हारे बॉस अवैध सिन्हा पर। बेवकूफ हमेशा यही समझता रहा कि उसकी काबिलियत की वजह से हम तुम्हें यहां लाए। गलत था, वो सिर्फ एक मामूली बिजनेसमैन था। तुम्हारा सौदा किया और यहां से भाग गया। वो तुम्हारी जैसे असली हीरे को पहचान नहीं सका। खैर, शादी की तैयारियां हो चुकी है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम भी तैयार होते हैं। सी यू लेटर। तुम चलो। जब एक बार छोड़कर गए फिर वापस क्यों आए? अगर मैं उस वक्त ज्यादा होशियारी दिखाता ना तो पार्क ही हम दोनों का बुत बनाकर अपने म्यूजियम में रख देता, उस डायना की तरह। यूं समझी? चलो।
अब यहां फिसल रही हो? अब भी तुम्हारी जान यहीं पे अटकी है? मटको मटको और झटके दो और टिटिला के नाचो। हाँ मेरी बाहों में आ और पहनो तंग कपड़े। किसने सलाह दी थी तंग कपड़े पहनने के लिए? तुमने। मैंने? मैंने तुमसे ये नौटंकी करने के लिए कहा था ताकि मैं खुद इस बवाल में फंस जाऊं। बवाल? तुम्हारे वजह से मैंने ये सब। वो लड़का जिंदा वापस लौट कर आ गया और जब्बार खगोशी के महल से लड़की को भी साथ ले गया। एक और ताबूत का इंतजाम करो। हम लोग भागकर जाएंगे कहां? ये जंगल कभी खत्म ही नहीं होगा। न रास्ता दिख रहा है न बचने की उम्मीद। देखिए गोली बची है। देखो नो। ऐसा करते हैं हम दोनों अपने आप को उसके हवाले कर देते हैं। अच्छा? तुम खागोशी की रानी बन जाओगी ना उसका पुतला। हा? खागोशी पारखी है लुटेरा नहीं। हम जिससे प्यार करते हैं उसे अपने दिल में जगा देते हैं और जिससे नफरत करते हैं उसे अपने म्यूजियम में संभाल कर रखते हैं। ऐसे भूखता है ना वो जब्बार खागोशी। अपनी जान बचानी है तो जाओ गाड़ी में बैठ जाओ। लव इंडियंस सेव इंडियंस यही कहा करती थी मेरी मौवा। जिसके प्यार में मैं पीता हूँ पौवा। कम ऑन गाड़ी में बैठ जाओ वरना तुम्हारी जान को खतरा है। कम ऑन लेट्स गो जल्दी। टाइम नहीं है। कम ऑन जल्दी। कम ऑन वापस। कम ऑन बैठो बैठो। कम ऑन जल्दी आओ। कम ऑन सिट डाउन। तुम पे भरोसा करके हम गाड़ी में तो बैठ गए पर इतना तो बता दो कि तुम कौन हो मेरे भाई? भाई भाई मत बोलो। भाई बहुत खतरनाक लफ्ज है भाई। गांव से आया है तो फ्रेंड बोलो, शहर से आए तो मित्र बोलो। अच्छा मित्र ये तो बताओ कि जब्बार खगोशी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? जब्बार खगोशी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। कोई दुश्मनी नहीं। मैं सिर्फ उसके खून का पैसा हूं। खून का। जिस जमीन पर ये गाड़ी चल रही है ना ये वो खागोशी के बाप की जमीन नहीं है। फिर? मेरे बाप की थी। अच्छा। मेरा बाप यहाँ का जमींदार था लैंडलॉर्ड। और मेरी माँ हिंदुस्तानी नारी। मेरे बाप की बहुत प्यारी। मेरी माँ चाहती थी एक इंडियन लड़की मौवत से मेरी शादी हो। मौवा मौवा मुझसे हमेशा कहा करती थी लव इंडियंस सेव इंडियंस। हाउ स्वीट। थैंक यू। मगर ये जब्बार खागोशी मेरे बाप का जमीन थाउजेंड्स ऑफ एकर्स लैंड एक झटके में खरीद लिया। कितने? जानते हो कितने में खरीद लिए? कितने में? एक क्वार्टर में। एक क्वार्टर में पौवा पीते पीते मेरा बाप तो पवे बाज बन गया। वही हालत जो हर बेवड़े की होती है मेरे बाप की भी वही हालत हो गई। बहुत दुख हुआ सुन के। हाँ ए दुखी मत हो ना क्योंकि इसी दुख में मेरी माँ मर गई थी और एक दिन जब आ खगोशी की निगाह मेरी मौवा पे पड़ी बताकर उसको अपने पुतलों में बिठाकर उसको पुतली बाय बना लिया। पुतली बाय? अरे
औरत का पुतला मतलब पुतली, और पुतली यानी पुतली भाई। मेरी बुआ हमेशा बोला करती थी कि मोहब्बत करने वालों का साथ देना, दुश्मनों का नहीं। झुको झुको झुको, चलो आगे उठो। अरे मेरी मामा की खातिर तो मैं आप लोगों की जान बचा रहा हूँ। आप वाकई बहुत अच्छे आदमी हो जो इतने खतरे में अपनी जान पे खेलकर हमारी जान बचाने आए हो। और एक ये है जिसकी मैंने इतनी मदद की, वही मुझे वो जब्बार खगोशी के हवाले करके वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अरे तू आदमी है या बैगन? ये मासूम लड़की तेरी लाइफ बनाना चाहती है और तू इसको वाइफ बनाने के बजाय इसे मौत के कुएं में ढकेल दिया। तू तेरे मर्दानगी पे हट। ए, मुझे मर्दानगी सिखाने चला है इसे क्यों नहीं पूछता? अगर मैं इसे बचाने के लिए वक्त पे नहीं आता तो जब्बार खगोशी एक ही रात में इसकी क्या हालत बना देता। कम से कम उसमें इतनी शराफत थी जो मुझसे शादी करना चाहता था वो। एक मिनट है बेटा, साइड में हो जा। ये क्या वो तुमसे शादी करना चाहता था बहन? Absolutely right. हाँ, तो फिर मैं भी गाड़ी खगोशी के महल में ले चलता हूँ। और तुम कहो तो बहन, इसे कहीं भी जंगल में ठिकाने लगा दूंगा। एक बार तुम्हारी शादी खगोशी से हो जाए तो फिर मैं साला बनकर उसकी दुकान पे हमेशा के लिए ताला लगा दूंगा, और फिर अपनी मऊआ के बगल में उसे जिंदा गाड़ दूंगा साले को। बकवास बंद करो। जब्बा खगोशी, आज हमें कोई नहीं मार सकता और तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता साले। फेल हो गया। क्या फेल हो गया? क्या क्या फेल हो गया? ब्रेक फेल हो गया। अरे से थैंक्स टू गॉड। चलो चलो कमा कमा, चलो चलो उतरो, चलो जल्दी। अब हम लोग क्या करें, कहाँ जाए? डोंट वरी डोंट वरी, यहाँ से कुछ दूर चल के जाओगे तो तुम्हें एक ब्रिज दिखाई देगा। उस ब्रिज को क्रॉस करोगे तो तुम खगोशी के इस हद से दूर हो जाओगे, आजाद। थैंक यू मित्र, थैंक यू वेरी मच। वेलकम वेलकम। लेकिन जाने से पहले कम से कम अपना नाम तो बता के जाओ। जॉनी, जॉनी मेरा नाम। थैंक यू ब्रदर जॉनी। ओके, अब वाकई बहुत अच्छे हैं। अब चलें। चलो चलो आप लोग जल्दी जाओ। कम ऑन क्विक, कम ऑन कम ऑन, जल्दी जाओ। बउआ हमेशा बोला करती थी लव इंडियंस सेव इंडियंस। गॉड ब्लेस यू। सब तुम्हारी वजह से हुआ। छोड़ो मुझे। टॉक से मैडम, चलो। क्या हुआ? ये ब्रिज है। नहीं नहीं, ये तो फ्रिज है। तुमने क्या सोचा था तुम्हें यहाँ फ्लाईओवर मिलेगा? हाँ, ब्रिज पे मैं कैसे चलूंगी? मेरी गोद में बैठकर मैं तुम्हें लोरी सुनाऊंगा, तुम वहां पहुंचते पहुंचते सो जाओगी। Oh!
वंशिका, वंशिका ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? क्यों? क्या हुआ? तुम मेरी बेहोशी का नाजायज फायदा उठाना चाहते थे। मैं बच्ची नहीं हूं अभी जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई हवस को न पहचान सकूं। हवस? What nonsense? I'm not a fool अभी। ठीक है वंशिका, कल तो मैंने तुम्हें सिर्फ नौकरी से निकाला था, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल करता हूँ। निकल जाओ यहाँ से, ऐसे गो अवे। जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहूंगी कि तुम्हारी किस्मत में किसी का सच्चा प्यार लिखा ही नहीं है और ना ही तुम्हें कभी मिलेगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जिस तरह ठोकर खाकर मैं यहाँ से जा रही हूँ ना, एक दिन इस दर्द का एहसास तुम्हें भी हो और उस वक्त तुम्हारे जख्म पर प्यार का मलहम लगाने वाला कोई ना हो। ए वंशिका, सब कुछ खत्म हो गया तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। गो अवे। खगोशी कभी हारना नहीं जानता, मगर दुश्मन को मारना जरूर जानता है। वो लड़की तो हमें मिल जाएगी। तूने क्या सोचा कि तू यहां से भागने में कामयाब हो गया? तेरी सजा बुद्ध बनना नहीं है, मैं तेरी लाश की चिता बनाकर उसमें अपनी शादी के साथ फेरे लूंगा।
वंशिका ये क्या हुआ, क्या हुआ मेरी बच्ची, बताना क्या हुआ, बताना वंशिका, हाँ क्या हो गया मेरी बच्ची, नहीं नहीं बेटा। डैडी, डैडी माँ, आपने पर्सनली सब चेक, डैडी जीते रहो, किसी भी पिता को तुम्हारे जैसा बेटा पाकर गर्व होगा मेरे बच्चे, प्राउड ऑफ यू। डैडी, दादी माँ किधर है? दादी माँ अपने कमरे में होंगी, मुझे एक जरूरी काम पर जाना है बेटा, चलिए कृपा शंकर जी, चलिए चलिए। अरे जंग जीत कर लौटा है मेरा भांजा, इसकी आरती उतारी जाएगी, तिलक लगाया जाएगा, मिठाइयां बांटी जाएंगी। अरे सुनती हो, जरा पूजा की थाली लेकर आओ। सिम, तुम? सिम मामी को भांजे, तुम्हारे मामा की पांचवीं बीवी। मामा? हाँ बे, आवारों लफंगों की तरह घूमकर सिर्फ वक्त काटा जा सकता है, पूरी उम्र नहीं। जिंदगी काटने के लिए एक सच्चे जीवन साथी की जरूरत होती है। भांजे, मेरे खोखले दिल में सिम ने इतना प्यार भर दिया कि अब ना ही कोई तलाश रही और ना ही कोई कमी। लेकिन ये सब कैसे हो मामा? अभय, जब रिश्ते जुड़ते हैं तो कब, कहां और कैसे जैसे लफ्ज बेमाने हो जाते हैं। जिंदगी को मायने तो ये रिश्ते ही देते हैं, इसी को सहयोग कहते हैं। कोई कहता है रिश्ते धरती पर बनते हैं, तो कोई कहता है स्वर्ग में। अभय, दादी माँ, मेरे बेटे, मेरे लल्ला, आ गए तुम। अरे ये क्या बेटा, इतना बड़ा बड़ा काम निपटाया और सूरत ऐसी बनाई है जैसे न जाने कितने सवाल तेरे सामने पहाड़ की तरह खड़े हैं। दादी माँ, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि तुम एक आईना हो, चेहरा देख के दिल पढ़ लेती हो। दादी माँ, हाँ? एक बात बताओ, ये प्यार क्या होता है? प्यार की ना कोई भाषा होती है ना ही परिभाषा। ये कब जागता है, कब किसे जगा देता है, ये तो भगवान भी नहीं बता सकते। हाँ, जब खुली आंखों से आदमी सपने देखने लगे और नींद में भी हर पल उसके साथ गुजारे, उसी जुनून को प्यार कहते हैं बेटा। और दादी माँ, शादी? जन्मों का अटूट बंधन, बड़े भाग्य से ऐसे बंधन जुड़ते हैं बेटा, और बड़े त्याग से इन्हें निभाया जाता है। अगर जागती आंखों से दिखने वाली कोई तेरी जिंदगी में आए तो उससे मुंह घुमाने की भूल मत करना बेटा, क्योंकि सात फेरों के बंधन के बाद तो घर संसार बसता है। जो अपने ही प्यार से मुंह मोड़ ले, उस कायर का साथ ना इंसान देता है ना ही भगवान देता है। श्यामलाल? नो, कभी नहीं। सर, ये सब क्या है श्यामलाल? ये किसी का श्राद्ध नहीं है, शादी है। शादी? हाँ, किसकी? वंशिका जी की। वंशिका की शादी? अरे अरे बेटी, इतनी तेजी से कहाँ जा रहे हो तुम? आज वंशिका की शादी है। हाँ? सारा ऑफिस, सारा स्टाफ, यहाँ तक कि आप सबको भी पता है कि आज वंशिका की शादी है, लेकिन आप सब में से किसी ने जरूरी नहीं समझा कि मुझे इस बात की इतला दी जाए। अब सेक्रेटरी की शादी में बॉस का क्या काम, ब्याह ही तो कर रही, भागी थोड़ी ना जा रही। ईशो भाई ले जा, अरे नारियल मंगा लिया है ना बुआ?
हाँ लो बेटा लो। बुआ? अरे अभय तुम? आज वंशिका की शादी है बुआ। हाँ तुम्हें किसी ने नहीं बताया? अजीब बात है, मगर हाँ तुम्हारी गाड़ी में तो ऑटोमेटिक ब्रेक्स है ना, सो यहाँ के रुक गई होगी। बहुत अच्छा हुआ। अरे लड्डू लाना तो लड्डू। अरे बेटा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि उस छिपकली के लिए तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। वो छिपकली नहीं है डैड, छिपी हुई कली है। सिर्फ मैंने ही उसे समझने में देर कर दी। कहाँ है वंशिका? वो वहाँ अंदर है, सज रही है ना। वंशिका क्या है मोहब्बत का जादू, होती है क्या बेकरारी। ये अब जाना मैंने, ये अब समझा मैंने, कहीं चैन आए ना अब तेरे बिना। ये सिलसिला है प्यार का, ये चलता रहेगा। प्यार में कोई समझौता नहीं होता है वंशिका, नहीं माफी मांगी जाती। बस मैंने ही तुम्हें समझने में देर कर दी। प्रेम का मतलब समर्पण होता है, इसलिए मैं आज इसी वक्त अपने आप को तुम पर समर्पित करता हूं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, ये सिलसिला जन्मों जन्मों तक चलता रहेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं वंशिका। I love you. I love you. चलो बेटा अब जल्दी से तैयार हो जाओ, ये सारी तैयारियां तुम्हारी शादी की जा रही है। हाँ, और खुद की शादी में दूल्हे को निमंत्रण नहीं दिया जाता है।